हेलो दोस्तों, नमस्कार। द अमेजिंग रिलेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे 05722 न्यू जलपाईगुड़ी दीघा पहाड़िया एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के बारे में, जो कि वाया हावड़ा के रास्ते चलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कोई भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए और जो लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिसे रेलवे से जुड़ी जो भी नई वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्दी आपके पास पहुँच सके। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी किसी फेवरेट ट्रेन का वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो से भी जुड़ी कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो वो भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये ट्रेन पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी और दीघा के बीच में चलती है। इस ट्रेन में ICA ब्रेक यूज़ किया जाता है। इस ट्रेन को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन ऑपरेट करती है और ये कोबी रिजर्व टाइप का ट्रेन है। और इस ट्रेन का दीघा से न्यू जलपाईगुड़ी तक जो दूरी है वो है 779 किलोमीटर का। और इस ट्रेन का मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर का और एवरेज स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर का। और इस ट्रेन का न्यू जलपाईगुड़ी से दीघा तक जाने में टाइम लगता है 15 घंटे 55 मिनट का। रास्ते में इस ट्रेन का 16 स्टेशन पर हॉल्ट है। तो चलिए आप इस ट्रेन के कोच पोजीशन और फेयर के बारे में जान लेते हैं। इस ट्रेन में एक फास्ट एसी कम थ्री टायर एसी, दो थर्ड एसी, 8 स्लीपर क्लास और 2 सेकेंड सीटिंग चेयर का वो शामिल है। और इस ट्रेन का न्यू जलपाईगुड़ी से दीघा तक जाने में जो कॉस्ट है वो है फास्ट एसी का 2660 रुपीस और थर्ड एसी का कॉस्ट है 1110 रुपीस, जिसमें बेस फेयर चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज, GST चार्ज शामिल होता है। स्लीपर क्लास का कॉस्ट है 410 रुपीस और सेकेंड सीटिंग चेयर का कॉस्ट है 245 रुपीस, जिसमें बेस फेयर चार्ज और रिजर्वेशन चार्ज शामिल होता है। तो चलिए इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में आप जान लेते हैं। ये ट्रेन हफ्ते में एक दिन फ्राइडे को न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन से रात के 8 बजे 3 नंबर प्लेटफॉर्म से छोड़ता है। और इस ट्रेन का जो पहला हॉल्ट है वह किशनगंज, यहाँ पर यह 10:20 पर आता है और 10:22 पर यहाँ से इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद आता है बारसोई जंक्शन, यहाँ पर यह 11:06 पर आता है और 11:08 पर यहाँ से इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद मालदा टाउन, यहाँ पर यह 12:55 पर आता है और 1:05 पर यहाँ से इसका 10 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद आजिमगंज जंक्शन, यहाँ पर यह 2:08 पर आता है और 3 बजे यहाँ से इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद खागरागढ़ रोड, यहाँ पर यह 3:14 पर आता है और 3:15 पर यहाँ से इसका 1 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद सालार, यहाँ पर ये 3:46 पर आता है और 3:47 पर यहाँ से इसका 1 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद कटवा जंक्शन, यहाँ पर ये 4:20 पर आता है और 4:22 पर यहाँ से इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद नवद्वीप धाम, यहाँ पर ये 4:54 पर आता है और 4:56 पर यहाँ से इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद बंडेल जंक्शन, यहाँ पर ये 6:11 पर आता है और 6:13 पर यहाँ से इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद हावड़ा जंक्शन, यहाँ पर ये 7:30 पर आता है सुबह के और 7:50 पर यहाँ से इसका 20 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पर इस ट्रेन का रिवर्स होता है और लोकोमोटिव चेंज होता है। इसके बाद संतरागछी जंक्शन, यहाँ पर ये 8:06 पर आता है और 8:08 पर यहाँ से इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद उलूबिरिया, यहाँ पर ये 8:28 पर आता है और 8:30 पर यहाँ से इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद बागनान, यहाँ पर ये 8:44 पर आता है और 8:46 पर यहाँ से इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद मेचेडा, यहाँ पर ये 8:59 पर आता है और 9:01 पर यहाँ से इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद तामलुक, यहाँ पर ये 9:38 पर आता है और 9:40 पर यहाँ से इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद इस ट्रेन का सेकेंड लास्ट अभी कांथी, यहाँ पर ये 10:42 पर आता है और 10:44 पर यहाँ से इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद इस ट्रेन का डेस्टिनेशन वही दीघा, यहाँ पर ये 11:55 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म में अपनी यात्रा शुरू कर देती है और 779 किलोमीटर डिस्टेंस वो तय कर लेती है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।